हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक गणेशा। तो दोस्तों, दीपक जलाते समय भूल कर भी ना करे ये गलतियाँ, होगा आर्थिक नुकसान। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म में देवी देवता की पूजा में आरती का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आरती में ईश्वर का गुणगान करते हैं और आराधना करते हैं कि हमारे पापों के लिए क्षमा करे। इससे हमारे मन को शांति और सुकून का आभास होता है। दोस्तों, हर रोज घर में दीपक जलाने से वास्तु दोष भी खत्म होता है। अगर आप दीपक जलाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखा जाए तो घर में सुख और शांति के अलावा आर्थिक फायदा भी होता है, साथ ही देवी देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वहीं अगर दीपक जलाते समय कुछ चीजों का ध्यान न रखा जाए तो घर से सुख और शांति जा ही सकती है, साथ ही आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि दीपक जलाते समय कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, नंबर एक, धार्मिक कार्यों में खंडित दीपक का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय साफ और सही दीपक का प्रयोग करना चाहिए। धार्मिक कार्य में खंडित दीपक अशुभ माना जाता है, तो दोस्तों ये ना करें। तो दोस्तों, नंबर दो, इस तरह के दीपक का प्रयोग करें। अगर आप भी दीपक जलाना चाहते हैं तो सफेद रुई का प्रयोग करें। अगर आप तेल का दीपक जलाना चाहते हैं तो लाल धागे की बत्ती आपके लिए शुभ होगी। दोस्तों, इस तरह का दीपक जलाना धार्मिक कार्य में शुभ माना गया है, तो दोस्तों ये अवश्य कीजिएगा। नंबर तीन, घर में रहती है सुख शांति। वास्तु शास्त्र के अनुसार हर रोज सुबह शाम दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रहता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है, साथ ही इसे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, आप भी अवश्य जलाइएगा। तो दोस्तों, नंबर चार, हर रोज जलाए यह दीपक। शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए, इसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पर ना रखकर किसी चावल या फिर किसी दूसरी चीज पर अवश्य रखे, इसे माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य बनी रहती है। तो दोस्तों, ध्यान से ये चीज अवश्य करे। नंबर पाँच, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी होती है दूर। जी हाँ दोस्तों, पीने के पानी के बर्तन के पास भी घी का दिया जलाकर रखते हैं तो इससे घर में धन की वृद्धि के स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर होती है। दोस्तों, साथ ही ध्यान रखे कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके जलाए, चाहे वो पूजा के समय ही क्यों ना करे। नंबर छह, इसलिए भगवान से मांगे क्षमा। जी हाँ दोस्तों, घी के दीपक को हमेशा अपने लेफ्ट हैंड की ओर लगाना चाहिए और तेल का दीपक को राइट हैंड की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगर पूजा करते समय दीपक बुझ जाता है तो भगवान से भूल के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह ये भूल आप ना करें। तो दोस्तों, इस तरह छह भूले ये आपको रोज नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।